नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। पेट के अंदर से कई बार गुड़गुड़ की आवाज आती रहती है। मेडिकल टर्म में इसे स्टमक क्रॉलिंग के नाम से जाना जाता है। अक्सर इस तरह की आवाज को खाने के डाइजेस्ट होने से जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर डाइजेशन के दौरान इस तरह की आवाज पेट से आना आम बात मानी जाती है। कहते हैं कि जब भी आंत के पास से खाना और पानी गुजरता है तो ऐसी आवाज आती है और इसे बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। हालांकि बार बार असामान्य रूप से पेट से तेज आवाज आना पाचन तंत्र के भीतर किसी गंभीर स्थिति का संकेत होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी खाना छोटी आंत में पहुंचता है तो शरीर उन चीजों को तोड़कर पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए एंजाइम जारी करता है और इसी डाइजेशन के प्रोसीजर के दौरान ऐसी आवाज आ सकती है। भूख लगना इसका दूसरा रीजन हो सकता है। कई बार कुछ देर तक नहीं खाने की वजह से ऐसी आवाजें आने लगती हैं। लेकिन आपके साथ बार बार ये हो रहा है तो इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है। जी हाँ, भूख लगना, पाचन होना इसके दो सामान्य रीजन है और इनके पीछे जो अन्य कारण हो सकते हैं वो है फूड एलर्जी। आपको किसी तरह की फूड एलर्जी है जिसकी वजह से पेट से आवाज आएगी। दस्त, इसके अलावा बड़ी आंत में सूजन भी इसका एक रीजन है। बता दें कि फूड एलर्जी, दस्त, बड़ी आंत में सूजन जैसी गंभीर बीमारियों के कारण ऐसी आवाज आ सकती है जिसके लिए तुरंत जांच कराना जरूरी है। अगर आपको आवाज के साथ पेट में कुछ और गड़बड़ भी महसूस हो रही है तो बेहतर है आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर कर लें। अगर आपके पेट में आवाज आ रही है तो उसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पानी पिए, उसी समय कुछ खा लें या हर्बल टी ले लें, या इसके अलावा पाचन को दुरुस्त रखने वाली चीजें खाएं, जैसे कि दही, चिया सीड्स, बीट्स, अदरक, किमची, जिन्हें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।